हमारा ऐसा काम ही नहीं है कि ऐसे आवारा मर्दों को बॉयफ्रेंड बनाता फिरे। हाँ, ये जो ऊपर ऊपर से इतनी शरीफ बन रही है ना, सब पता है मुझे इनका। वरना अपने इलाके से भागी क्यों थी, ताकि यूं यूं करके बाल सुखा सके। वरना शैंपू करने से तो बद किरदार हो जाती हैं आप। क्यों, मैं तुम जैसा का मुंह ही नहीं लगना चाहती। हाँ, मुझ जैसी के मुंह नहीं लगती, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड के मुंह लगना चाहती। मर्दों के सामने गीले बाल झाड़ झाड़ के सुखाएंगी तो वो तो देखेंगे ना, इसमें उन गरीबों का क्या कसूर है। अगर औरत बुरखा पहन के भी चले जाए ना, तो आवारा मर्द उसको घूर घूर के देखता है। फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ना आदमी के सामने बाल खोल कर। मैं उसके सामने नहीं गई थी। अच्छा, तो अभी कौन ऐसे ऐसे करके बाल सुखा रहा था छत पर। तमीज से बात करो, मैं कपड़े सुखाने गया था। सादिया को तो तमीज का पता ही नहीं है, सिद्धी बात करती है सादिया, बेशक कुछ हो जाए। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ज्यादा उसको फंसाने की जरूरत नहीं है। हमारा ऐसा काम ही नहीं है कि ऐसे आवारा मर्दों को बॉयफ्रेंड बनाता फिरे। हाँ, ये जो ऊपर ऊपर से इतनी शरीफ बन रही है ना, सब पता है मुझे इनका। वरना अपने इलाके से भागी क्यों थी, ताकि यूं यूं करके बाल सुखा सके। वरना शैंपू करने से तो बद किरदार हो जाती हैं आप। क्यों, मैं तुम जैसा का मुंह ही नहीं लगना चाहती। हाँ, मुझ जैसी के मुंह नहीं लगती, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड के मुंह लगना चाहिए। नूसी मैडम, हमारा ऐसा आदत ही नहीं। मुझे क्या उस लड़की से, पर उसने मेरे पे इल्जाम लगाया जो मुझे बिल्कुल कबूल नहीं। हाशमत जी, जाने देना, सादिया छोटी है अभी। वही तो, मैं उससे 3 दर्जा बड़ी होगी। बड़ा को कोई इज्जत भी तो होता है ना। इतना गंदा आदमी के साथ घूमती है, जिसको अपना इज्जत का परवाह नहीं है, मैं कौन होता उससे सवाल करने वाली। हाशमत जी, उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, जाने दें आप। अपना इज्जत बेच के कौन सा मजबूरी पूरा होता है। ये लड़कियां ये मर्दों को खुश करके, उनका सहारा लेके, उनके साथ गलत काम करके तरक्की करता। तू ऐसा तरक्की। हशमत जी, अपनी खुशी से तो ये सब कुछ कोई भी नहीं करता, और अगर इन मर्दों को खुश नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ने देंगे हमें। खुद पे भरोसा हो ना, तो इंसान को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंसान को खुद मजबूत होना चाहिए। और अगर अगर कोई इतना मजबूत ना हो तो फिर उसे घर पे बैठ के अपना खावंद का पैर दबाना चाहिए। क्योंकि मैं ग्रीन हूं। एक झूठी दुनिया बसाई है मैंने, रात को चंद घंटे इस फेक आईडी से मलका बन जाती हूँ। आइडियल लड़की है ये, ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली लड़की। हेलो, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय फ्रेंड रिक्वेस्ट। थैंक यू फॉर टच बेसिंग। यार कमाल की इंग्लिश है। अमीन, आपका रिश्ता भेजा सलमा के लिए। नहीं, मैं यार अपना और अपनी बेटियों का इतना बुलंद कर दिया कि उनको पूरा उतरता नहीं है। अरे तुम्हारी जबान से जहरीला मादा टपक रहा है जो मेरे चीते पड़ रहे मेरे ऊपर।